एक मजहबी जमात के कारकुनों का मुल्की एहतजाज, लाहौर में ठोकर न्यास बेग और मुल्तान रोड समेत कई इलाकों से रुकावटें हटा दी गई। ट्रैफिक बहाल, एहतजाज के बायस कई शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। कराची में मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, कई एम्बुलेंसेज भी फंसी रही। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी शहरियों को परेशानी का सामना रहा। मजहबी जमात का एहतजाज मुल्क भर में कौमी शाहराहों और मोटरवे तक फैल गया। नेशनल हाईवे और मोटरवे दर्जनों मकामात पर बंद। इस्लामाबाद से पिशावर नेशनल हाईवे टेक्सला अंडरपास के करीब बंद कर दी गई। ठोकर नियाज बेग से दीनानाथ तक में कौमी शाहराह बंद। मुरीद के औकामोकी में नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे फेजपुर इंटरचेंज और कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के मकाम से बंद है। ट्रैफिक जाम होने पर अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई में दुश्वारी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का वाफिर जखीरा मौजूद है, लेकिन अगर सिलेंडर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो मरीजों को परेशानी होगी। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की शदीद जरूरत है। सेक्रेटरी सेहत नबील आवान ने कहा, मरीजों की जान बचाने के लिए मुजाहिरीन ऑक्सीजन सिलेंडरों वाले ट्रकों को रास्ता दें। पंजाब में कोरोना एसओपीज में 26 अप्रैल तक तौसी, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और रावलपिंडी समेत 18 जिला वबा से शदीद मुतासर करार। आउटडोर शादी की तकरीबात और डाइनिंग पर पाबंदी। लाहौर समेत 18 जिला में तमाम मजारात और दरगाहें बंद रहेंगी। कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। जुमे और हफ्ते को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन में तरक्की पजीर मुल्कों की मदद की जाए। वजीर आजम इमरान खान का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से खिताब। कहा, तरक्की पजीर मुल्कों में कोरोना वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी फ्राहम की जाए। तरक्की पजीर मुल्कों को फौरी तौर पर हंगामी मालियाती रिलीफ फ्राहम किया जाए। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है, शो कॉज नोटिस देने वाले पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगे। जो इस समूह से इस्तीफे देना चाहते हैं दें, लेकिन किसी पार्टी को डिक्टेट ना करें। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के आईएमएफ के साथ मुआहदे के खिलाफ मुहिम चलाने का भी ऐलान। शोकास नोटिस एक जमात का नहीं पीडीएम सरबराह का फैसला था। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोली पीटीआई और इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, उनकी हुकूमत और ताकत खत्म हो रही है, अरकान नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। डस्का में नून लीग की फतह बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। नून लीग की नायब सदर का NA 249 के इलेक्शन के सिलसिले में कराची के दौरे का भी ऐलान। ये माफ़ी की बात कर रहे हैं, बड़ी मजे का खेल सी बात है। अगर यही उनकी वजाहत है तो बस ठीक है, इसको हम वजाहत समझ लेते हैं। फिर पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा हैं, पीडीएम की तहरीक चलती रहेगी। अगर दो पहिए चले भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तहरीक है, एक पहिए पर भी चलेगी। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नोटिस शोकॉज की वजाहत है तो फिर रास्ते जुदा है। मुआफ़ी की बात करना मजे का खेस है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान कहते हैं, वजाहत नहीं देना तो पीपल्स पार्टी अपना सफर करे और पीडीएम अपना। पीपल्स पार्टी ने छोटी सी चीज के लिए पीडीएम को दाव पर लगा दिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है मैं मजीद बोले, पीडीएम की गाड़ी के 8 पहिए अभी भी हैं, दूर निकल भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने फैसला करने में ताखीर की। इत्तेहाद से तब निकलना चाहिए था जब पीडीएम के फैसले के खिलाफ वर्जी की। गफूर हैदरी की 92 न्यूज से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के तावुन से ऑपोजिशन लीडर का मनसब हासिल किया, उनसे मदद मांगी जिनके खिलाफ। दूसरी जानिब फजल रहमान की तबीयत में बेहतरी, महदूद पैमाने पर सरगर्मियां शुरू करने का फैसला।
मुश्तरका मफादात कौंसल ने मर्दमशुमारी के नतायज जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में फौरी तौर पर नई मर्दमशुमारी कराने का भी फैसला। असद उमर का कहना है, सिंध ने नतायज के इजरा की मुखालिफत और नई मर्दमशुमारी की हिमायत की। नई मर्दमशुमारी का फ्रेमवर्क 6 से 8 हफ्ते में मुकम्मल होगा। मर्दमशुमारी 2023 के मार्च अप्रैल में मुकम्मल होगी। हमारे तहफ्फुज़ात के बावजूद मुश्तरका मफादात कौंसल ने मर्दमशुमारी नताइज की मंजूरी दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है, वजीर आला ने CCI में इख्तलाफी नोट जमा कराया, आइन के तहत मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। MQM के मर्दमशुमारी नताइज तस्लीम किए जाने पर तहफ्फुज़ात। नई मर्दमशुमारी के फैसले का खैर मकदम। फैसल सब्जवारी का कहना है, मुश्तरका मफादात कौंसल के फैसले पर MQM पहरा देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काबीना में मज़ीद 4 अरकान को शामिल करने का फैसला। साबिक वज़ीर मोहम्मद आतिफ दोबारा काबीना में शमूलियत पर मान गए। ज़रा के मुताबिक मोहम्मद आतिफ खान, फजल शकूर, फैसल अमीन और शकील अहमद आज हल्फ उठाएंगे। मोहम्मद आतिफ, शकील अहमद और शहराम तरकई को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पारि किया गया था। NA 249 का जिमनी इलेक्शन। PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी नाअहली से बच गए। कवायद जवाबित के खिलाफ वर्जी पर अमजद आफरीदी की इलेक्शन कमीशन में पेशी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से वार्निंग जारी, कहा आइंदा खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। वज़रा समेत मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम से दूर रखें। इलेक्शन कमीशन की PTI MNA सालिया मोहम्मद को भी तनबीह। सऊदी अरब समेत कई मुल्कों में रमजानुल मुबारक का बाबरकत आगाज। हरमैन शरीफैन में कोरोना SOPs के तहत नमाज तरावी अदा की गई। मलाशिया, थाईलैंड और दीगर कई ममालिक में भी आज पहला रोजा। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पिशावर में होगा। पहला रोजा बुध 14 अप्रैल को होने का इम्कान। और जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 का हिसाब दूसरे में चुका दिया। मेजबान टीम ने दूसरा T20 6 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तानी बैटिंग चल नहीं सकी, सिर्फ 141 रन का हदफ दिया। बाबर आजम 50 और मोहम्मद हफीज 32 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका के मार्करम और क्लासन की उमदा बैटिंग। वज़ारत साइंस और रोयत हलाल कमेटी एक पेज पर खलाई मुशाहदे में आसारी के लिए इस्लामाबाद में स्पेस ऑब्जर्वेटरी की बुनियाद रख दी गई है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि चांद को कॉलोनाइज करने जा रहे हैं। स्पार्को को वज़ारत साइंस के मातहत ना किया गया तो सिविल स्पेस प्रोग्राम शुरू करेंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, उम्मीद है कि इस बार पूरे मुल्क में रोज़ा और ईद एक ही दिन में होगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में स्पेस ऑब्जर्वेटरी के संगे बुनियाद की तकरीब। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद समेत साइंसदान और स्पेस टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि गवादर, कराची और पिशावर में स्पेस लेबोरेटरीज बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इस पार्कों को वजारत साइंस के मातहत करने का मुतालबा भी किया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि ऑब्जर्वेटरी लगाने से मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को बहुत मदद मिलेगी। इस बार मुल्क भर में रोजा और ईद एक ही दिन मनाने के लिए पर अज़्म है। हम तो पहले से ही इस माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अल्लाह तबारक व ताला के फजल और करम से होगा कि पूरे मुल्क में एक ही दिन रोजा हो और एक ही दिन ईद हो। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अगले 10-15 सालों में चांद पर प्राइवेट टूर्स शुरू हो सकते हैं।